विश्वास हम होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंजन के कूलिंग सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी की है। कूलिंग सिस्टम की तरह ही इंजन का एक और महत्वपूर्ण सिस्टम है ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। तो हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में हम इंजन की ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी करेंगे और एक एक करके हमारे वीडियोस में हम ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ल्यूब्रिकेशन, लुब्रिकेंट एवं ल्यूब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं एवं इंजन में ल्यूब्रिकेशन की क्या आवश्यकता है या ल्यूब्रिकेशन के क्या उद्देश्य हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे। सबसे पहले हम तीन टर्म्स समझ लेते हैं जो है ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेंट एवं ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। किन्हीं भी मूविंग पार्ट्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट की सप्लाई करना ल्यूब्रिकेशन कहलाता है। जैसे कि इंजन में इंजन पार्ट्स तक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या इंजन ऑयल की सप्लाई की जाती है, तो इन पार्ट्स तक इस इंजन ऑयल की सप्लाई करना ल्यूब्रिकेशन कहलाएगा। ल्यूब्रिकेशन के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। जैसे कि इंजन में ल्यूब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर इंजन ऑयल ल्यूब्रिकेंट होगा, इसे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी कहते हैं। तीसरा टर्म है ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ल्यूब्रिकेशन के लिए ल्यूब्रिकेंट को सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसे ल्यूब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इंजन में ऑयल ऑयल सम्प में भरा होता है, इसे इंजन के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ऑयल होल आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी पार्ट्स मिलकर इंजन का ल्यूब्रिकेशन सिस्टम बनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंजन में ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता क्यों है या इंजन में ल्यूब्रिकेशन के क्या उद्देश्य हैं। इंजन में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कई कार्य करता है, आइए इनको एक एक करके जानते हैं। पहला कार्य है मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण को कम करना। इंजन में पार्ट्स बहुत ही तेज गति से चलते हैं एवं आपस में घिसते हैं। यदि इनके बीच में इंजन ऑयल का प्रयोग ना किया जाए तो ये पार्ट्स आपस में घिसेंगे, जिससे इनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनके बीच में इंजन ऑयल की सप्लाई की जाती है। यह इंजन ऑयल इन पार्ट्स के बीच में एक परत जमा लेता है एवं फ्रिक्शन को कम कर देता है। दूसरा कार्य है मूविंग पार्ट्स के बीच में वियर यानी घिसावट को कम करना। यदि इन पार्ट्स के बीच में इंजन ऑयल नहीं होगा तो ये पार्ट्स आपस में घिसकर खराब हो जाएंगे। तीसरा कार्य है कूलिंग मीडिया के रूप में कार्य करना। ल्यूब्रिकेशन ऑयल सीधे इंजन के पार्ट्स के संपर्क में रहता है, जिससे यह पार्ट्स की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्ट्स की कूलिंग में सहायता होती है। अगला कार्य है इंजन के पार्ट्स की सफाई करना। इंजन ऑयल पार्ट्स पर जमा हुए कार्बन एवं अन्य गंदगी को साथ में लेकर ऑयल सम्प में ले आता है, इससे इंजन के पार्ट्स की सफाई हो जाती है। अगला कार्य है इंजन बेयरिंग एवं पार्ट्स के बीच में शॉक को एब्जॉर्ब करना। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इंजन बेयरिंग एवं पार्ट्स के बीच में ऑयल की एक परत बना लेता है और इस तरह से यह बेयरिंग एवं पार्ट्स के बीच में उत्पन्न होने वाले शॉक के एक हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला कार्य है इंजन के पार्ट्स को कोरोजन से बचाना। ल्यूब्रिकेशन ऑयल इंजन के पार्ट्स पर जंग नहीं लगने देता एवं उनके कोरोजन को रोकता है। इंजन के लगभग सभी पार्ट्स को ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। इंजन के पार्ट्स बहुत तेज गति से घूमते हैं एवं इंजन का तापमान भी बहुत अधिक होता है। यदि इंजन में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग ना किया जाए तो इंजन के पार्ट्स की आयु बहुत कम हो जाएगी। यदि आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल दें तो आप उसे थोड़ी दूर ही लेकर जा पाएंगे एवं वह इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए इंजन ऑयल इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंजन ऑयल के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।